जिला मुख्यालय बीजापुर में माता मरई महार समाज के लोगों ने बीजापुर के समाज के अध्यक्ष निवास में प्रेस वार्ता आयोजित कर महार समाज के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही मात्रात्मक त्रुटि के सुधार होने पर हर्ष व्यक्त किया। अब महार मेहरा और मेहरा के साथ महारा और मेहरा जाति को भारत की संसद लोकसभा द्वारा संविधान की सूची में शामिल किया है, जिसका लाभ प्रदेश के 5 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा और महारा और मेहरा जाति के लोगों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए माता मरई महार समाज के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्राकर ने शहीद महेंद्र कर्मा जी की जयंती पर उनका नमन करते हुए कहा कि महार समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही मात्रात्मक त्रुटि सुधार के लिए सबसे पहले दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक सांसद और पूर्व मंत्री शहीद महेंद्र कर्मा ने महार समाज के साथ मिलकर एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसका सकारात्मक असर दिख रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए अब काम होने की आस नजर आ रही है। आज इनके योगदान का ही परिणाम है कि महार समाज के लोग जो वर्षों से मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र से वंचित थे और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, अब जाति प्रमाण पत्र बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। माता मराई महार समाज जिला बीजापुर महार समाज के मात्रात्मक त्रुटि सुधार होने पर शहीद महेंद्र कर्मा जी के द्वारा महार समाज को दिए गए अमूल्य योगदान के लिए हमेशा शहीद महेंद्र कर्मा जी का ऋणी रहेगा। बीजापुर से रत्तू तेलम की रिपोर्ट। देखिए, हमारे समाज में लंबे वर्षों से लोग प्रयासरत थे और खुशी का माहौल दिख रहा है। हमारे समाज में सभी लोग खुश भी हैं और जय माता मराई की ओर से, समाज की ओर से हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित किए हैं। क्षेत्रीय विधायक जी को धन्यवाद ज्ञापित किए हैं, राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किए हैं, केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किए हैं और हमारा अभी संसद में लोकसभा में पास हुई है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति जी को जाएगा।